वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम कोल इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंडे के लिए कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो भी यहाँ पे हम चेक करने वाले। उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट लेवल्स बन सकते हैं मंडे के लिए वो भी यहाँ पे हम चेक करने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोल इंडिया स्टॉक की बात की जाए तो फ्राइडे के दिन यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली और 186.75 पे क्लोजिंग दे चुका था कोल इंडिया स्टॉक। ओपन हुआ था 187 और हाई बनाया था 188.90 का। मार्केट कैप भी देख सकते हो तकरीबन यहाँ पे 1.15 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। पी रेशियो 13.95 का और डिविडेंड यील्ड 9.37% का। तो पिछले 5 दिनों की भी बात देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में तकरीबन यहाँ पे आप देख रहे 7.95% की रैली की है, यानी कि 4% अप है यहाँ पे लास्ट 1 वीक के अंदर। और 5 दिनों की भी बात लास्ट 1 मंथ की बात देखी जाए तो लास्ट 1 मंथ में तकरीबन 17 पॉइंट यानी कि 10% अप है यहाँ पे कोल इंडिया स्टॉक। तो कोल इंडिया के लेवल देखने पहले यहाँ पे निफ्टी के लेवल चेक करेंगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं मंडे के लिए निफ्टी के लिए वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंटली यहाँ पे 17,300 इंपॉर्टेंट लेवल बन सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मंडे के लिए। उसको ब्रेकआउट नहीं मिलता तो यहाँ पे नीचे भी आता है तो 17,080 ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं यहाँ पे निफ्टी के लिए यहाँ पे मंडे के दिन के लिए। और कोल इंडिया के यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोल इंडिया यहाँ पे आप वैसे देखिए तकरीबन मंथली रजिस्ट्रेशन 2 के ऊपर है। मंथली रजिस्ट्रेशन जो है तकरीबन 184.30 पे, तो वहाँ तक आने के चाहता है तो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग सकता है और ऊपर जाता है तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते 188 टू 189 भी रजिस्ट्रेशन लेवल एक्ट हो जाएगी तकरीबन 190 तक। तो ये लेटेस्ट लेवल यहाँ पे कोल इंडिया स्टॉक के लिए।